नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और जो मेरा नए फ्रेंड्स है उनसे रिक्वेस्ट है आप इस रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है? वह अरावली पर्वत श्रृंखला। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, माउंट आबू पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है तो वह अरावली श्रेणी में, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू पर्यटन स्थल अरावली श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमान के अनुसार आयु कितनी है उनकी? तो है 570 मिलियन वर्ष। ओके फ्रेंड्स, मतलब 57 करोड़ वर्ष। तो ये अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है कौन सा है? तो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। लक्षद्वीप समूह स्थित है, क्वेश्चन नंबर पांच, लक्षद्वीप समूह स्थित है कहां पर? वह अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? इसका आंसर होगा राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है कौन सी है? वह पारसनाथ। ये छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मिट्टी में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वह 25%। मृदा में जल की मात्रा 25% होती है। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है? मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है तो इसका आंसर होगा लगभग 12 अरब वर्ष। यह आकाशगंगा की आयु है। क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है तो है काली नदी। ये भारत और नेपाल के मध्य में सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत से किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है? किस देश को भारत से लोहे का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है तो इसका आंसर होगा जापान। जापान को निर्यात किया जाता है लोहा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भोपाल किन नदियों के बीच में स्थित है? भोपाल किन नदियों के बीच में स्थित है? इसका आंसर होगा बेतवा एवं पार्वती। इन नदियों के बीच में भोपाल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? इसका आंसर होगा पार्वतीय वर्षा। ये भारत में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो है पार्सेक। ये खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है तो इसका आंसर होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, तो आपको इसी तरह जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप चाहते हैं मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो मैं अपलोड करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।